देखो बेटा, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं थीटा के बारे में, ठीक है। देखो थीटा जो है वो क्या है, क्या है थीटा, क्या लगता है तुम्हें थीटा जो है वो क्या है? अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम थीटा की, तो वो क्या है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और थीटा जो है बेटा वो है एक एंगल। एंगल क्या होता है हम जानते हैं, क्या होता है जानते हैं हम, दो लाइंस के बीच में एक जो इंक्लिनेशन होता है उसे एंगल कहते हैं। ये इंक्लिनेशन है मान लो, ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये कुछ इंक्लिनेशन है ना। तो ये वाला जो कहलाता है बेटा, इसे हम कहते हैं एंगल, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना, इसे हम क्या कहते हैं, ये एंगल है, ठीक है। तो इसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, वो है थीटा, ठीक है। समझ रहे हो, ये थीटा जैसे एल है, एल L क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। उसी तरह से जैसे V जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को, है ना। मतलब क्योंकि हम यही सब जानते हैं, इन सब के बारे में हम जानते हैं, तो V जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। A जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, एक्सेलरेशन, ठीक है। वैसे ही थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल। थीटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल, ठीक है। तो ये तो चलो थीटा जो है वो क्या हुआ, हमारा एंगल हो गया। अच्छा अब एक और चीज बेटा, हम क्या कहते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, जैसे रेशियो के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो मान लो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं। देखो जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, एक राइट एंगल एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो एक इस राइट एंगल ट्राइंगल में मान लो कि क्या है बेटा, मान लो क्या मतलब, एक एंगल तो देखो 90 डिग्री होता ही है, हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें से किसी एक एंगल को मैं कह देता हूँ कि ये थीटा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, 20, 30, 50, 60, 70, 80, जो भी है, ठीक है। तो अगर तुम ये एंगल फिक्स करोगे तो फिर तुम्हें ये भी एंगल फिक्स करना पड़ेगा। और जैसे ही ये दोनों एंगल तुमने फिक्स कर दिया, मतलब, या फिर अगर तुमने एक भी एंगल फिक्स कर दिया, ऐसे सोचो कि अगर एक एंगल तो 90 डिग्री है ही राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। अब जैसे तुमने एक एंगल फिक्स कर दिया इसमें, ठीक है, एक एंगल जो है वो तुमने क्या करा, फिक्स कर दिया, तो फिर दूसरा एंगल भी फिक्स हो गया। क्योंकि अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा बेटा, 90 माइनस थीटा, है ना। क्योंकि टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री जानते हैं। तो देखो तीनों को जोड़ो, ये 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा और थीटा निपट गया, 90 और ये 90 कितना हो गया, 180। तो सम जो हो गया वो 180 हो गया। तो ये वाली चीज जो है वो बिल्कुल होल्ड कर रही है हमारे लिए, है ना। तो अगर एक एंगल थीटा है तो एक एंगल जो है वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो एक एंगल अगर तुमने फिक्स कर दिया, तुम क्या करोगे बेटा, दूसरा एंगल भी फिक्स कर दिया तुमने, है ना। तो इसका मतलब तुमने ट्राइंगल फिक्स कर दिया, ये लेंथ वगैरह जो भी है ये सब फिक्स हो गई, ठीक है। ये लेंथ वगैरह जो है वो क्या हुई, फिक्स हो गई। तो हमने एक रेशियो बनाया यार, ठीक है। तुम सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ोगे तो फिर तुम देखोगे कि मतलब एग्जैक्ट लेंथ फिक्स नहीं होती है, रेशियो फिक्स होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा कि हमने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बनाए, ठीक है, जिससे हम इन एंगल्स के बारे में, अगर ये एंगल हमें पता है तो हम लेंथ वगैरह के बारे में अंदाजा लगा पाए, ठीक है। इस लेंथ के बारे में अगर हमें कोई भी एक पता है तो बाकी के जो लेंथ है उनके बारे में हम अंदाजा लगा पाए। इसलिए हमने कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वो किया, क्या कहते हैं उसे, मतलब ट्रिगोनोमेट्री निकाली पूरी। तो उसमें जो ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या होता है, तो हमारे टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेटा। कौन से देखो, एक तो होता है साइन थीटा, मतलब थीटा एंगल, ठीक है। इस थीटा एंगल का साइन एक रेशियो है, नाम है जिसका साइन, ठीक है। एक साइन थीटा है, एक कॉस थीटा है, ठीक है। एक कौन सी है, टेन थीटा है, ठीक है। और फिर एक है कॉसेक थीटा, एक है सेक थीटा और एक है कॉट थीटा, ठीक है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है बेटा। और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये किससे रिलेटेड है, ये इस थीटा एंगल से रिलेटेड है ना। ये वाला जो एंगल है बेटा, इस थीटा एंगल से रिलेटेड है ये। तो हम क्या करते हैं ना, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, इसके हम साइड थोड़े से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। जिससे हम फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे तो हम अब किसी भी ट्राइंगल में फिर उसे अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है बेटा, तो जो थीटा के सामने वाला होता है ना, ठीक सामने वाले से कोई भी एंगल जो होता है वो दो लाइन से बनता है, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल जो बना है वो इन दोनों लाइन से बना है, ठीक है। तो इस थीटा के सामने वाला जो साइड होता है ना, इसे हम कह देते हैं कि यह है परपेंडिकुलर।
ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, और थीटा के साथ वाला जो साइड होता है, जैसे 90 डिग्री जो है ना एंगल, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, जैसे थीटा के सामने वाला साइड हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और 90 डिग्री वाला जो हो गया उसके सामने वाले साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, उसके सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। अच्छा, और एक जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, बेस, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, पी से हम परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, एच से हाइपोटेनस को, और बी से किसको, बेस को। तो जो एक बार बता देता हूं मैं, ये भी लिख देता हूँ कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस होता क्या है। एक पी से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, परपेंडिकुलर को, ठीक है। और ये जो परपेंडिकुलर है ये किधर है, ये है थीटा के सामने वाला साइड, ठीक है, थीटा जो है, जो भी एंगल थीटा हम ले रहे हैं उसके सामने वाला साइड है ना, वो परपेंडिकुलर होगा। अब मान लो कि अगर तुमने ये वाला एंगल थीटा लिया होता ना बेटा, जैसे अभी तो हमने इसको थीटा लिया तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो अगर ये वाला एंगल हमने अगर थीटा लिया ना, तो इसके जो सामने वाला साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा और बेस भी चेंज हो जाएगा अगर तुम कोई और एंगल कंसिडर कर लेते हो, ठीक है। तो ये हमारा पी जो हुआ वो परपेंडिकुलर हो गया, बी जो हुआ वो क्या हो गया बेटा, बेस, ठीक है, और एच जो हुआ वो क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, एच जो है हमारा वो क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनस हो गया। अच्छा, अब एक और बात बताओ मुझे कि ये तो चलो ये तो हमने हम समझ गए हैं ना कि ये हमारा जो पी है परपेंडिकुलर, बी है बेस, एच है हाइट, और हमने 6 टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बनाए, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और चीज होती है कि जो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैंने आमने सामने लिखे ना बेटा, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा का, सॉरी, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो ये भी एक चीज है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, ये कुछ नई चीज है बेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, आप समझ लोगे तो फिर अच्छा रहेगा, है ना, आगे बहुत सारी चीजें हम आसानी से पढ़ पाएंगे। तो जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है बेटा, जैसे देखो साइन थीटा जो है वो क्या है बताओ, साइन थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, ये एक चीज हो, ये एक रिलेशन हो गया। एक और रिलेशन हम क्या होता है बेटा, जो कॉस थीटा होता है हमारा वो क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और तीसरा कौन सा है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बेटा, टेन, है ना, जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है बताओ, 1 अपॉन किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के, बहुत बढ़िया, 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होगा। तो साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक हो गया, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा हो गया, टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा हो गया, ठीक है। अब एक चीज अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे अभी तक तो हम इसके नाम के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना, कि जो छह कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखें तो हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, और इन रेशियोज को हम ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं, अभी तो हम डिफाइन ही कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। तो अब अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करूँ ना बेटा, तो जो हमारे होते हैं वो कौन से होते हैं, देखो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये मेजर होते हैं, बाकी ये तीन जो है ना वो बहुत कम यूज होता है। वैसे यूज आप कर सकते हो जहां आपको जरूरत पड़े, लेकिन जनरली अगर हम ये तीन जानते हैं तो फिर बाकी ये तीन भी हम जान ही लेते हैं ना, क्योंकि रेसिप्रोकल ही है। अगर मान लो एक की वैल्यू 1/2 होगी तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी सिंपली, है ना। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू 2 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो मतलब अगर एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू तो पता लग ही जाएगी अपने को, है ना। तो इसलिए हम मेनली तीन ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, देखो क्या है, साइन थीटा जो होता है हमारा वो पता है कैसे डिफाइन करता है बेटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। साइन थीटा जो होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा क्या चीज, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं बेटा, सॉरी, वेरी सॉरी, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, डिफाइन कर रहा हूँ अभी मैं कि इसको किसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉस थीटा होगा बी बाई एच, और जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ई बाई बी। ये हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा है। तो सेक कॉसेक और कॉट क्या होगा बताना, बता सकते हो क्या बेटा, बताओ मुझे क्या आप ये वैल्यूज बता सकते हो, कॉसेक सेक और कॉट की, कॉसेक की वैल्यू बताओ, चलो कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, देखो क्या होगी, रेसिप्रोकल होगा ना, तो क्या करेंगे इसे, जो न्यूमरेटर में उसे डिनोमिनेटर में भेज देंगे, जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में भेज देंगे, है ना।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। sec थीटा जो होगा वो क्या होगा बताओ, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और जो tan थीटा होगा वो क्या होगा बताओ मुझे, tan थीटा हो जाएगा बेस अपॉन, सॉरी यार, जो cot थीटा होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये छह के छह ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने बात कर ली है ना, ये जो होगा हमारा बेस अपॉन, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब थोड़ी एक आधी बातें और होती है बेटा, ये बात तुम समझ गए बताओ मुझे, सभी लोग समझ गए इसे, एंड्रेस करके बताओ, चलो जल्दी से एंड्रेस करके बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हर्ष बेटा समझ आया तुम्हें, हर्ष बेटा लगता है हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्या जुड़े हुए हो बेटा? मतलब और भी नोटेशंस हो सकते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, अल्फा हो सकता है, अल्फा से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को, बीटा से भी करते हैं, गामा से करते हैं, डेल्टा से करते हैं, फाई से कर लेते हैं, कई बार कुछ ए वगैरह, मतलब कोई अल्फाबेट भी यूज करते हैं, मतलब ये बस रिप्रेजेंटेशन है ना, हम किसी भी रिप्रेजेंटेशन के साथ हम क्या कर सकते हैं, एंगल को बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक आधे सवाल देता हूँ मैं आपको है ना, देखो जैसे एक यहाँ पर ये एंगल अपने को दे रखा है थीटा, ठीक है, ये है तीन, ये है चार, ठीक है, इसमें ये पहला सवाल है हमारा, अपने को क्या क्या बताना है, देखो साइन थीटा की वैल्यू बतानी है, कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है, और टेन थीटा की वैल्यू बतानी है, वैसे तो सभी बता दो, कोसेक सेक और कॉट भी बता दो, ठीक है, 5-6 बार फॉर्मूले लिखोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है, तो भूलोगे नहीं कभी, कोसेक भी बता दो, सेक भी बता दो, और कॉट थीटा भी बता दो, ठीक है, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक सवाल ये हो गया हमारा, और एक और सवाल है नीचे, मैं बता रहा हूँ अभी, देखो इसमें है ये 13 है, 5 है, ठीक है, और इस बार ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाली एंगल थीटा है, ठीक है, इसमें भी तुम्हें ये 6 के 6 बताने हैं है ना, ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, चलो सॉल्व कर दो बेटा जल्दी से, जल्दी सॉल्व कर दो बिल्कुल। देखो बेटा इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, तो पहले मैं यहाँ ट्रायंगल बना लेता हूँ है ना, फिर सारे वैल्यूज आपको बताता हूँ कैसे होंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा, मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है ना, देखो ये ट्राइंगल है हमारा है ना, और मैंने आपको लेंथ दे दी, ठीक है, मैंने आपको ये भी बोल दिया कि ये वाला जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है, ये मैंने लेंथ दे दी आपको 3, ये वाली लेंथ मैंने कितनी दे दी, 4, तो ये वाली लेंथ आपने क्या निकाल ली, 5 निकाल ली होगी बताओ, ये तो लेंथ हमने निकाल ली होगी, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाना है अपने को, ठीक है, तो अब एक चीज बताओ मुझे कि मैंने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तुम्हें कैसे लिखने को बोला था, कि अब देखो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा के जो सामने वाला साइड होगा वो क्या होगा बेटा, ये होगा क्या परपेंडिकुलर है ना, और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, वो होगा हाइपोटेनस, और जो एक बच गया वो क्या बनेगा, बेस, ठीक है, ये चीज है ना, अब किसकी किसकी वैल्यू निकालने को बोली मैंने आपको, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के ना, तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर कौन सा बताओ, ये वाला परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी, 3, हाइपोटेनस कितना, 5, तो 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है कॉस थीटा की वैल्यू, बेस कितना है यहाँ पे, बेस कितना है बताओ, 4 है ना, तो 4, और ये कितना है बताओ, हाइपोटेनस 5 5, बहुत बढ़िया, 4/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 हो गया, और टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस बेस, बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4/4, 4 बहुत शानदार हो गया, अब क्या, अब कोसेक थीटा की वैल्यू क्या 5/3, और सेक थीटा की वैल्यू क्या 5/4, और टेन कॉट थीटा की वैल्यू क्या 4/3, बस खत्म, ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो ये चीज बेटा ध्यान रखना है ना, तो यहाँ से ये हो गया, अब जो दूसरा वाला सवाल है हमारा उसमें क्या कह रहा हूं मैं, कि देखो ये 13 है और ये 5 है, ठीक है,
एक जो हमारा ये 13 ये 5 है, तो ये आपने मुझे लगता है 12 निकाल लिया होगा सबने। हाँ सर 12। बहुत बढ़िया, ये 12 निकाल लिया। अब सोचो कि जो थीटा के सामने वाला साइड है वो परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ये वाला। और 90 डिग्री वाला एंगल है तो इसके सामने वाला साइड ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये वाला साइड क्या हो गया, बेस। बेस। बहुत बढ़िया। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेनस कितना है 13, 13 5/13। कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, बेस अपॉन। बहुत बढ़िया 12/13। और टैन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 5/12। बहुत बढ़िया, ये चीज समझ आ गई अपने को, नहीं यही बताओ सर आ गया। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, यहाँ से ये तीनों देख के तुम्हें एक चीज ऐसा महसूस हो रहा है क्या बेटा, कि अगर मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा करूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा करूँ, तो क्या मेरे पास टेन थीटा आ जाएगा, ये तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ। क्योंकि जो हमारा साइन थीटा होता है बेटा, साइन थीटा क्या होता है, देखो देखना ध्यान से यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो हमारा साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखूं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर मैं लिखूं, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बताना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय को हम क्या करते हैं, अगर ऐसा रहता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, और ये बाद वाला जो होता है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो एच बाय बी। आपने पढ़ा होगा बेटा ये सब बचपन में है ना। हाँ सर बिल्कुल, एच और एच निपट गया, क्या बचा हमारे पास बताओ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पी बाय बी आ गई क्या, और पी बाय बी क्या है यार, टेन थीटा है ना। यस सर, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, यस सर बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, लिख लिया हमने यार, देखो है ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या हुआ, हमने टेन थीटा लिख लिया। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, समझ आई है बात, की कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बेटा, क्लियर है सर, नो डाउट, बिल्कुल बहुत शानदार। आओ एक आधे सवाल और करते हैं जिससे तुम्हारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो ये मैंने क्या करा बेटा, देखो दो ट्राइंगल बना दिया मैंने, ठीक है, और इन दो ट्राइंगल्स में क्या है कि हमें वही वाली चीज करनी है, क्या चीज, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की। ठीक है, अब ये कह रहा हूं मैं कि ये वाला जो एंगल है मेरा, इस बार ये वाला एंगल थीटा है और इसमें ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, एक तो चलो 90 डिग्री ही है ना, और मैं कहता हूँ कि ये वाला जो साइड है हमारा ये है 24, ये है 10, ठीक है, और इसमें ये वाला साइड है कितना, 200 यार, कितना दे सकते हैं, 26, 25, 25, 7, ठीक है, ये 25 और ये 7 है, अब बताओ वैल्यूज मुझे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का है ना, ये तो एक तो पहला सवाल है हमारा, ये पहला सवाल है, और ये सवाल कौन सा है बेटा, दूसरा है ना, क्या करना है अपने को, फाइंड आउट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, कर दो सॉल्व।